बलरामपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की समस्त नगर इकाइयों का 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष रवि प्रकाश अग्रवाल के निर्देश पर समस्त नगर इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया था। नई इकाइयों के गठन के लिए चुनावी प्रक्रिया होनी थी, जिसके मद्देनजर धामपुर में नगर इकाई के गठन के लिए चुनाव सम्पन्न हुआ, जिसमें नई कार्यकारिणी को सर्वसम्मति से निर्विरोध चुना गया। कार्यक्रम स्टेशन मार्ग स्थित एक होटल में सम्पन्न हुआ। अतिथियों व्यापारियों ने बुके भेंट कर स्वागत किया। प्रदेश महामंत्री मुकुल अग्रवाल ने कहा कि व्यापारियों को आपसी एकजुटता बनाए रखने की जरूरत है। प्रदेश महामंत्री ने नई कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए सरदार सतवंत सिंह सलूजा को पुनः प्रदेश उपाध्यक्ष, जावेद रहमान शमसी को मंडल अध्यक्ष, प्रभारी सरदार सतमीत सिंह मणि को जिला सचिव नियुक्त किया। साथ ही SP सलूजा को पुनः नगर अध्यक्ष, असलम फरीदी को नगर अध्यक्ष युवा। इस मौके पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की प्रदेश महामंत्री महिला विंग मोनिका रुस्तम यादव, जिला कोषाध्यक्ष विनीत राजपूत, ऐश्वर्या चौधरी, प्रदेश महामंत्री महिला विंग ब्लॉक प्रमुख आकांक्षा चौहान, तनु राजपूत प्रदेश प्रभारी महिला विंग, प्रतीका राठी सह चुनाव अधिकारी, रुस्तम यादव, अशरफ पहलवान, नसीम फारूकी आदि मौजूद रहे। धामपुर से प्रमोद कुमार सैनी की रिपोर्ट। हमारे व्यापार मंडल का 3 वर्ष में चुनाव होता है, उसी प्रधान में नगर तो जिला के प्रति हम इसी परिपेक्ष में आज हमने पहले शेर पहले अफगढ़ शेरपुर को चुनाव कराया है और हमने यहाँ पर श्रीमान जी को पूर्ण अध्यक्ष बनाया है। पश्चिमी व्यापार मंडल कनेक्टिव संगठन है और यहाँ की